कि अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। सलाउद्दीन भाई अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। जुदाइयां तो मुकद्दर है फिर भी है जाने सफर। जुदाइयां तो मुकद्दर है फिर भी है जाने सफर। चलो कुछ दूर और सफर करके देखते हैं। दोस्तों गजल वो गजल जो कई सालों का सफर करते हुए महबूब की जुल्फों को महबूब की जुल्फों से गुफ्तगू करते हुए सियासी और समाजी हालात को देख देख के आज हमारे पास खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप ही के शहर के एक बहुत ही मतरन्नुम लहजे के लबो लहजे के शायर जनाब अफजल दीवा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और गजल के दौर का जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल करें कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल करें जनाब अफजल दीवा। मौजूद सामने इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं बिना किसी तमहीद के सदर मुशायरा और राय से इजाजत लेते हुए चार मिसरों से अपनी बात रखना चाहूंगा। मतलब यूं है कि वतन अपना जहां में सबसे ऊंचा और आला है। वाह वतन अपना जहाँ में सबसे ऊंचा और आला है। यही मंदिर यही मस्जिद यही गिरजा यही मंदिर यही मस्जिद यही गिरजा शिवाला है। और दोस्तों यही मिलती है तस्वीरें मोहब्बत ए जहां वाला। यही मिलती है तस्वीरें मोहब्बत ए जहां वालों। यहीं पे मजहबों की एकता का रंग निराला है। यहीं पे मजहबों की एकता का रंग निराला है। और गजल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए क्योंकि वक्त की किल्लत है और फहरिस्त काफी लंबी है। और मैं बड़ी बेहद माजरत के साथ तमाम शुरा हजरात से मुशायरे के रवा और मैं अपनी जानिब से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे साथ साथ वो भी वक्त का लिहाज करें और जितना मुख्तसर हो सकता है उतना पेश करें। लीजिए गजल का मसला हाजिर करता हूँ। उसकी को भुलाऊं कैसे उसकी यादों के तसलसुल को भुलाऊं कैसे उसकी याद आपके यहाँ क्या किया है जनाब चौहान साहब का चौधरी साहब का हम दिल खैर मकदम करते हैं। जोरदार तालियों के बीच में पीएस साहब का इस्तकबाल। अफजल दीवा साहब से गुजारिश करूंगा उसकी यादों के तसल्लुल को भुलाऊं कैसे और दिल पे जो उसकी यादों
और शेर मुलाहिज़ा कीजिए। अता करें अता भाई। दिल की दहलीज़ पे हर वक्त सदा देता है, दिल की दहलीज़ पे हर वक्त सदा अपने दिल में उसे मेहमान बना कैसे, अपने दिल में उसे मेहमान बना कैसे, उसकी रोना चाहूं तो रोने की इजाजत ही नहीं, रोना चाहूं तो रोना चाह में भरे है वो छुपाऊं कैसे, उसकी शेर समाप्त कीजिए। अता करें सांस रुकती है मेरी दिल भी तड़पता मेरा, सांस रुकती है मेरी दिल भी तड़पता और जख्म जो दिल पे लगा है वो कैसे, जख्म जो दिल पे लगा है वो दिखाऊं कैसे, उसकी बहुत कैसे उसकी यादों, और शेर मुलाहिज़ा कीजिए। उसने चाहत को मेरी खार समझ रख, उसने चाहत को मेरी खार समझ रखा है, और दिल के गुलदान में फिर उसको सजा के गुलदान में फिर उस को सजाऊं कैसे, उसकी यादों के तसलसल को भुलाऊं कैसे, और मक्ता हाजिर करता हूं। मुलाहिज़ा कीजिए। अब तो कटती नहीं
हाल दिल अपना से जा के सुना कैसे हाल दिल अपना से जा के सुना कैसे उसकी अस्सलाम वालेकुम।